फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो जैसे कि आपको पता है, आज बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट मतलब 20 दिन हो गए उसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा की क्लास रिज्यूम हो रही है। तो जैसे कि आपको पता था, ठीक है, मैं क्वारंटाइन में था क्योंकि कोरोना हो गया था। ठीक तो मैं 4-5 दिन में ही हो गया था, लेकिन क्या करें, जो गवर्नमेंट के नॉर्म से आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 17 दिन क्वारंटाइन में था, उसके बाद मैं कल फ्री हुआ हूँ और आज अपनी क्लास यहाँ पे कंटिन्यू की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, तो हम अभी डिस्कस करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जो लास्ट हमने किया था टॉपिक, वो डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था। तो डिटर्मिनेंट्स पे कोई भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया था। बेसिक मैंने डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो बताया था। तो उसमें आपको तीन चीजें बताई थी। एक बताया था कि माइनर कैसे निकालते हैं, दूसरा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, और दूसरा क्या निकालते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज जो हमारा सेशन होगा वो मोस्टली कहां पे आज हम फोकस करेंगे, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉब्लम्स पे और उसके रिलेटेड प्रॉपर्टीज पे। और प्रॉपर्टीज का कितना बड़ा रोल है, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो आप डिटरमिनेंट के क्वेश्चन विद इन मिनट, विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हो अगर प्रॉपर्टीज आती हैं। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने का यही फायदा होता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप टाइम सेव कर लेते हो। कोई भी, जैसे कि हम सिग्नलिंग सिस्टम में, जेड ट्रांसफॉर्म में, फूरियर ट्रांसफॉर्म में, वहां पर जब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज पता नहीं हो तो फिर कन्वेंशनल अप्रोच से लेंथी प्रोसेस हमको करना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट्स में भी वही केस है, हम देखेंगे अगर आपको प्रॉपर्टीज याद है तो कितना लंबा लेंथी प्रोसेस नहीं करना है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल हम शॉर्टकट से भी डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग। चलो सबको गुड इवनिंग। तो चलो मेरी, हाँ, सबको गुड इवनिंग, सब गुड इवनिंग बोले, ठीक है। हाँ, जिन्होंने भी मिस किया है, अभी दिख रहा है कि 101 ही सिर्फ लाइव है। जब पहले क्लासेस चलती थी, 100 स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग मैथ्स में अभी इंटरेस्ट रहा है, बाकी के लोग अभी सोने चले गए, आईपीएल देखने चले गए। कोई नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम टॉपिक तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट कवर करेंगे ही। यहाँ पे अभी क्लासेस डेली लंबे भी हो सकते हैं सेशन, क्योंकि हमारा एम था कि मैथ्स को एज सून एज पॉसिबल खत्म करना। अभी ये जो 20 दिन का गैप हो गया उसको कंपनसेट करने के लिए पॉसिबली हम यहाँ पे जो क्लासेस होती है 9 बजे उसको लंबा भी खींच सकते हैं। पहले सिर्फ 1 घंटे की क्लास चलती थी, अभी इसको हम लंबा भी खींच सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स की। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2x2 मैट्रिक्स की, जो हमने देख लिया था। तो 2x2 मैट्रिक्स अगर मेरे पास है तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल यहां पे हमको आता है A is equal to, let us say A, B, C, D, 4 एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के। तो मुझे 2x2 का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो सिंपली क्या करो, पहले डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लो, ये क्या होगा ए डी, उसमें से माइनस कर दो क्या ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, दैट इज बी सी, उसका प्रोडक्ट। तो पहले मैंने डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिया ए डी, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स थे उनका प्रोडक्ट। ये 2x2 क्या होता है, सिंपली डिटरमिनेंट होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास 3x3 मैट्रिक्स है, अगर मेरे पास क्या है 3x3 मैट्रिक्स, उसके हम एलिमेंट ले लेते हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, क्या है इसका ऑर्डर, क्या है साइज, क्या है 3x3। क्योंकि हमें पता है जो डिटरमिनेंट डिफाइंड होता है किसके लिए होता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप डिटरमिनेंट डिफाइन कर सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो हमें पता है किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग हम जा सकते हैं, एक रो को पकड़ो या एक कॉलम को पकड़ो, उसके अलोंग हम क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, मैं फर्स्ट रो के अलोंग जाता हूं तो क्या होगा, ये जो एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस जो दूसरा एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो तीसरा एलिमेंट है उसको उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, सबका एडिशन कर दो, तो ये क्या मिल जाएगा, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम फर्स्ट रो के अलोंग ही जाए, हम सेकंड रो के अलोंग भी जा सकते हैं, हम थर्ड रो के अलोंग भी जा सकते हैं, हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी जा सकते हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग भी जा सकते हैं, थर्ड कॉलम के अलोंग भी
जा सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो अभी एग्जाम्पल लेते हैं। हम अभी एग्जाम्पल लेंगे तो आइडिया ज्यादा क्लियर होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, पहले मैं एक दो एग्जाम्पल लूंगा सिंपल, उसके बाद प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, फिर कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा जिसमें प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और मैं कुछ होमवर्क में भी आपको प्रॉब्लम्स दूंगा, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो उस एग्जाम्पल को लिखो। ये 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। 1 3 0 1 3 0, 2 6 4 2 6 4, -1 0 2 -1 0 2। मैंने क्या बोला? इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो अभी देखो, डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या हमने बोला, हम किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग जा सकते हैं, लेकिन लेकिन जब भी मैट्रिक्स दिया हो तो उसमें आप ट्राई करो उस रो या उस कॉलम को पकड़ो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, क्योंकि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होंगे तो ये वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे और हमें उनके कोफैक्टर्स निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात हमें, एक टिप हमें हमेशा याद रखनी है, वो कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो वो रो या वो कॉलम पकड़ेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे ये वाले जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। जो भी टर्म जीरो होगा उसका कोफैक्टर जीरो हो या नॉन जीरो वो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एलिमेंट तो जीरो ही होगा इसलिए प्रोडक्ट जीरो होगा, तो हमें डिटर्मिनेंट निकालने में आसानी होगी, टाइम बहुत ही कम जाएगा, टाइम बहुत ही कम जाएगा। और दूसरी बात, हमने यह भी देखा था जब हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो माइनर, सिर्फ कोफैक्टर क्या होता है? माइनर होता है, उसके साथ क्या हो जाती है? प्लस या माइनस साइन लग जाती है। तो हमें पता है अगर 3x3 मैट्रिक्स हो तो इस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना हो तो माइनर के साथ क्या साइन लगती है? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर इधर क्या आता है? माइनस, प्लस, माइनस, फिर इधर क्या आता है? प्लस, माइनस, प्लस। ये साइन होती है, ये आपको साइन याद रखनी है। ये साइन इस एलिमेंट के माइनर के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कोफैक्टर मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो चलो निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पहले मैं कोई भी एक रो पकड़ता हूं, सिंपली मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकाल रहा हूं डिटरमिनेंट। तो क्या करेंगे? a11 क्या है? 1। तो ये मैंने लिखा 1। फिर क्या निकालेंगे? कोफैक्टर, इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है? C11। तो कोफैक्टर सिंपली कैसे निकालेंगे? पहले तो कोफैक्टर के साथ क्या लगाएंगे? साइन लगाएंगे। इसके साथ साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। फिर सिंपली क्या निकालेंगे? इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। माइनर कैसे निकालते हैं? जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको डिलीट कर दो। तो ये इस फर्स्ट रो में प्रेजेंट है और फर्स्ट कॉलम में प्रेजेंट है, इसको डिलीट कर दिया। फिर जो सब मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट, जो सब मैट्रिक्स बना उसका डिटर्मिनेंट वो क्या होगा? 6 4 0 2 6 4 0 2। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 6 4 0 2, अभी क्या होगा? सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है? 3 है। सेकंड एलिमेंट मेरा क्या है? 3 है। और यहां पे साइन देखो क्या है? प्लस है। यहां पे मैंने क्या लगाया? प्लस लगाया। अभी यहां पे जो कोफैक्टर लिखूंगा वो भी सिंपली क्या होगा? माइनर ही होगा, लेकिन उसके साथ साइन क्या आएगा? माइनस आएगा। साइन क्या आएगा? माइनस। तो मैंने यहां पे लिख दिया -3। तो वो माइनस किसको दे दिया? मैंने 3 को दे दिया। फिर मैं 3 के रिस्पेक्ट में अगर मैं क्या लिखूंगा? माइनर लिखूंगा। तो 3 कौन से रो में प्रेजेंट है? फर्स्ट रो में, उसको मैंने डिलीट कर दिया। सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो क्या बचा? 2 4 -1 2 2 4 -1 2। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया। और फिर आगे क्या आएगा? लास्ट में 0, लास्ट में 0। तो यह लास्ट में साइन क्या आएगी? प्लस। और एलिमेंट क्या है? 0। और इसका कोफैक्टर क्या निकालोगे? इसका कोफैक्टर होगा, ये क्या होगा? इसका माइनर क्या होगा? 2 6 -1 0, 2 6 -1 0। अभी देखो क्योंकि ये एलिमेंट ही जीरो है, अभी ये अगर माइनर कोफैक्टर में बोल रहा हूं, जीरो हो या नॉन जीरो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एलिमेंट ही जीरो है इसलिए इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका मतलब जो एलिमेंट जीरो होगा उसका कोफैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो है टर्म आएगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो इसको सॉल्व करो। ये हो गया अपने पास 1 1, तो 1 ही रहेगा। अभी 2x2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा? 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 12 माइनस, जैसे कि यहां पे निकाला है, 12 माइनस 0 इंटू 4 0, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? -3। और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 2x2, 2x2 कितना होता है? 4। माइनस ऑफ -4 कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा?
8, क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये कितना होगा 12 माइनस 24, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया माइनस 12, इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया माइनस 12, क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी कमेंट करो, ठीक है। माइनस 12, ओके 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 ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके माइनस 12, वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि सब लोग क्वारंटाइन में, सही बात है, ऐसा माहौल बन गया है, दहशत फैल गई है। क्वारंटाइन में हो तो भी वीडियो तो देख सकते हो ना यूट्यूब पे, मोबाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिंपली डिटरमिनेंट क्या हो गया माइनस 12। तो सिंपली ऐसे ही 4x4 मैट्रिक्स हो, 5x5 मैट्रिक्स हो, ऐसे गेट में पूछते नहीं है, गेट में मैक्सिमम 4x4 तक ही डिटरमिनेंट पूछते हैं। और 4x4 में भी अगर आपको प्रॉपर्टीज याद आती है तो उसमें यह सब लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो गई इतनी बात। तो चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी चालू हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अभी मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, उसको अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि प्रॉपर्टीज के बाद जो एग्जांपल्स करेंगे वो इस लेंथी प्रोसेस से हम नहीं करेंगे, वहां पे कुछ हम नोट करेंगे कि क्या कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली हम रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज अपने नोटबुक में नोट कर लेना। मैं बताने वाला हूं 8 से 10 प्रॉपर्टीज, वो नोट कर लेना और देखना उस पर प्रॉब्लम्स कितने जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं। तो लेटेस्ट से मेरे पास एक मैट्रिक्स से ए, लेटेस्ट से अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहा हूं, तो प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम। प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ये आपको याद रखनी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लेटेस्ट से वी हैव अ मैट्रिक्स बी सच डेट के इंटू ए। अभी यहां पे क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने किसी स्केलर, किसी कांस्टेंट नंबर के साथ क्या कर दिया, नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज के, और मुझे एक नया मैट्रिक्स मिला बी। तो अगर मुझे बी का डिटर्मिनेंट निकालना हो, अगर मुझे ए का डिटर्मिनेंट पता हो, तो क्या होगा, k टू दी पावर एन इंटू ए, क्लियर हो गया, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसको मैंने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, के ए, जिसको मैंने नया नाम दे दिया है बी। तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है तो वो क्या होगा, के टू द पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब अगर मुझे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट पता है और ये स्केलर पता है, तो मैं डिटरमिनेंट किसका निकाल सकता हूं, मैट्रिक्स बी का डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं, क्लियर हो गई इतनी बात। और जो यहां पे एन है वो क्या है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका मतलब क्या है वो देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब साइज, ए की अगर साइज है एन क्रॉस एन, ए की साइज है एन क्रॉस एन, तो लेट अस से ए क्या है 3x3, तो एन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिंपल। ए ऑर्डर क्या क्या मतलब होता है, वही जो मैट्रिक्स की साइज होती है, वही क्या जो मैट्रिक्स की साइज होती है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए जिसका साइज है एन क्रॉस एन और बी है के इंटू ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, के एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर हो गई इतनी बात। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, वेट करो, सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान से देखना, डिटर्मिनेंट अगर दो मैट्रिक्स है मेरे पास तो ऐसी ये वैलिड नहीं हो सकता, हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, क्लियर हो गई बात। कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि जीरो करो, अगर दोनों मैट्रिसेस जीरो हो तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, डेट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेस का सम करोगे तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन हमेशा ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है, अगर आप दो मैट्रिसेस का एडिशन लोगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, और अगर इंडिविजुअल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेके सम करोगे, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा क्या आए, इक्वल आए, क्लियर हो गई इतनी बात। और यहां पे तीसरी सबसे यूजफुल प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस है प्रोडक्ट में, उनका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो वो जो इंडिविजुअल मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट होगा उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा, उनके प्रोडक्ट के ही इक्वल होगा। फोर्थ पॉइंट नोट करते जाओ, फोर्थ पॉइंट अगर आपके पास है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर सेम और मल्टीपल ऑफ ईच अदर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू जीरो। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके दो रोज या दो कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, एंट्री सारी सेम है दोनों कॉलम्स में, या तो एक रो दूसरे की मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, एक रो में जो एलिमेंट है वो किसी और रो को मैं कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों सेम आ जाएंगे, सिमिलर वे में कॉलम के साथ अगर ऑपरेशन करें तो इस केस में हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जीरो। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स में दो रोज या दो कॉलम सेम हो या दो रोज या दो कॉलम क्या हो मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो तो उस केस में डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। और पांचवा पॉइंट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ये सब चीजें नोट करना, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन डू नॉट चेंज डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में सब काम आएंगे, दिखाऊंगा वो कैसे काम आएंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। और वो कौन से एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, बहुत होते हैं, तीन होते हैं मेनली, लेकिन यहां पे याद रखना कौन से। पहला, अगर मैं किसी रो आई को क्या कर रहा हूं, आई आर आई प्लस सी आर जे, ये वाली पॉइंट में क्लियर करूंगा एग्जाम्पल में। दूसरा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन सी आई प्लस बोल दो सी आर सी जे, ठीक है। तो अगर ये दो एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन में अप्लाई करता हूं किसी भी मैट्रिक्स में, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बहुत सारे होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे जब रैंक पढ़ेंगे, रो इक्वलन फॉर्म पढ़ेंगे। लेकिन अगर इस टाइप के ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ये वाला एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो एक बार फिर से हम रिविजिट करते हैं, ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कोई पॉइंट होगी तो हम एग्जांपल के थ्रू उसको क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। तो पहली पॉइंट क्या है, अगर एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट अगर पता है तो अगर उसको मैं किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा बी, तो मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड कर सकता हूं, कैसे, के टू द पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अगर एडिशन में है उनका जो ओवरऑल डिटरमिनेंट होगा वो किसके इक्वल नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिटरमिनेंट सम ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ इंडिविजुअल मैट्रिसेस। अगर दो मैट्रिसेस प्रोडक्ट में है उनका जो ओवरऑल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा, इंडिविजुअल मैट्रिसेस का अगर डिटरमिनेंट को हम क्या कर दें, उनका प्रोडक्ट लेने। क्लियर हो गई। अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो रो या दो कॉलम सेम है या दो रो या दो कॉलम मल्टीपल ऑफ ईच अदर है तो भी डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। और ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या ये वाला एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके प्रॉपर्टी फोर ठीक है। प्रॉपर्टी फोर यहां पे मैं इसको प्रॉपर्टी फोर में जिसको डाउट है वो नोट करके रखो, मैं एग्जांपल करवाऊंगा प्रॉपर्टी फोर पे, दो एग्जांपल करवाऊंगा और अभी से जो भी एग्जांपल करवाऊंगा वो सारे गेट के ही होंगे, सारे गेट के ही होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो ये पांच प्रॉपर्टी नोट कर लो और मैं प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं यहां पे ध्यान दो, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज याद हैं तो गेट में जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही इजी मतलब बहुत इजी। मैं अभी जो एग्जांपल आपको चार पांच करवाऊंगा डिटरमिनेंट्स के वो इसी पे ही करवाऊंगा, जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई ये आप नोट करना कैसे प्रॉपर्टीज से ही पूरा मामला वहां पे खत्म हो रहा है। तो यहां पे सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रायंगुलर या तो फिर वो क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला, डिटरमिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है, मेरे पास अगर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स हो, मेरे पास अगर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो
डायगोनल एलिमेंट से उनका प्रोडक्ट, जो डायगोनल एलिमेंट से उनका प्रोडक्ट, ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, डायगोनल का केस स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे वो क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इन दोनों मैट्रिसेस के केस में जो इसका डिटरमिनेंट होगा वो हमें लेंथी प्रोसेस से सॉल्व नहीं करना है, सिंपली जो डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आई थिंक ओके, ठीक है ओके। तो प्रॉपर्टीज यहां पे ऑलमोस्ट हो गई है, तो छह प्रॉपर्टीज, चलो सातवीं लिखो। अगर एक मैट्रिक्स से ए उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, हमेशा सेम होगा। दोनों का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। सॉरी, डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका अगर ट्रांसपोज लोगे तो उससे उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। एट पॉइंट नोट करो, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिटरमिनेंट मुझे दिया गया है, तो जो डिटरमिनेंट होगा ए इनवर्स का वो क्या होगा, वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए, वन ओवर डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो गई बात? नाइन्थ पॉइंट लिखो, अगर मेरे पास मैट्रिक्स है ए जिसका डिटरमिनेंट है मेरे पास मुझे पता है, तो ए टू दी पावर एन, वेयर एन इज एन इंटीजर, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर एन, वेयर एन इज एन इंटीजर, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये नौ पॉइंट आपको याद रखने हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि याद नहीं रहेगा, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है। पहले जो प्रॉपर्टीज लिखी थी पांच या सिक्स प्रॉपर्टी लिखी है कि डिटरमिनेंट कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना तो सिंपली क्या करोगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करोगे। फिर सेवन पॉइंट मैंने क्या बताया, कोई भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लोगे वो उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं करता है, और किसी मैट्रिक्स का अगर हम इनवर्स लेते हैं उसका अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो वो क्या होगा, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दैट ओरिजिनल मैट्रिक्स। और नाइन्थ पॉइंट क्या है, अगर मैं ए टू द पावर सपोज ए स्क्वायर, मुझे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट पता है और ए टू द पावर 100 का डिटरमिनेंट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस मैट्रिक्स को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट नहीं निकालूंगा, सिंपली क्या करूंगा, ए का डिटरमिनेंट पता है उसको क्या कर दूंगा, उसका टू द पावर 100 कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अभी ये पॉइंट इतनी नोट करो, अभी जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो देखो। प्रॉब्लम्स अभी मैं करवाऊंगा उस पर ध्यान देना, हम प्रॉपर्टीज ही लगाएंगे और आपको ही बताने, वो सारे गेट के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो कैसे प्रॉपर्टीज से हो रहे हैं वो देखो। अभी यहां पे एक प्रॉब्लम नोट करो, यहां पे चलो एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं हम, चार से पांच एग्जाम्पल करेंगे। given determinant of a matrix, matrix यहां पे दिया गया है 130, जो इससे पहले किया था वही 130, इसका आंसर आपको ही बताना है 130 264 -102। एक मेरे पास ये मैट्रिक्स है, गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज -12 जो हमने पहले निकाला था, then the determinant of matrix यहां पे दूसरा मैट्रिक्स दिया है, देखो ध्यान से वो क्या दिया है, दूसरा मैट्रिक्स दिया है आपको 260 4 12 8 -204। ये मुझे डिटर्मिनेंट, सॉरी क्या बोला है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट है -12, देन द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज डैश। तो यहां पे देखो इसने गेम क्या खेला है, कोई भी स्टूडेंट होगा सिंपली क्या करेगा, उसको इससे कुछ लेना देना ही नहीं है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कुछ भी हो, क्योंकि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या, उसकी यूनिक नंबर होता है। तो यहां पे देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं सिंपली क्या करूंगा, वही लंबा वाला प्रोसीजर लगाऊंगा कोफैक्टर वाला और डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, मुझे इससे कुछ लेना देना ही नहीं है इसका डिटरमिनेंट क्या है, क्यों दिया गया है इसका डिटरमिनेंट, सिंपली ये मैट्रिक्स उठाओ और इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। लेकिन क्या है, और भी कोई तरीका है ओके, और भी कोई तरीका है इसका, देखो यहां पे सिंपली गेट का ही क्वेश्चन है ये, उसने बोला है इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है -12,
तो इसने क्या पूछा है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बताओ। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो ऐसा सोचेंगे, कुछ तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका दिया ही क्यों है -12, क्योंकि हमें तो इसका निकालना है। हम सिंपली इसको इंडिविजुअल लेंगे और सिंपली जो कोफैक्टर वाला मैंने मेथड बताया 3x3 मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, वो मेथड इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसमें क्या और कोई ट्रिक है? जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई, क्या उसमें से कुछ यहां पर प्रॉपर्टी लग सकती है? जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, ठीक है, तो इसका आपने डिटरमिनेंट, चलो मुझे कमेंट करके बताओ इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला, क्या इस मैट्रिक्स का जो मैंने पहले मेथड बताया था कोफैक्टर वाला उससे सॉल्व किया, या आपने यहां पे कुछ चीज नोट की है, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में कुछ आपने क्या नोट किया है इन दोनों मैट्रिक्स में? ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेरी गुड, फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरी गुड। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, लेटर से इस मैट्रिक्स को मैं ए बोल देता हूं, इस मैट्रिक्स को मैं बोल देता हूं ए, मेरा मैट्रिक्स से ए क्या 1 3 0 2 6 4 -1 0 2, और इस मैट्रिक्स को मैं बी बोल देता हूं। अभी ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बी क्या है 2 into A, ये मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स बी मिल जाएगा। तो ये सिंपली बी क्या है 2 into A, इस केस में K क्या है अपना 2 है और A का साइज क्या है 3x3, तो डिटरमिनेंट ऑफ B क्या होगा K^(n)(A), तो डिटरमिनेंट ऑफ B मुझे बताओ क्या होगा, K क्या है यहाँ पे 2 और n क्या है 3 और डिटरमिनेंट ऑफ A क्या है -12, तो 8 into -12 ये कितना होगा -96। और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आपका -24 कैसे आया है, -24 कैसे आ गया, ओके -96 not 96 प्लीज, हाँ बिल्कुल -96, वेरी गुड। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने इसमें लेंथी प्रोसीजर नहीं लगाया 3x3 मैट्रिक्स का, इसमें मैंने क्या नोट किया, इसलिए गेट के एग्जाम जो पेपर सेट किया उसने भी गेम खेला है, उसने इसका आपको रेडीमेड दे दिया है -12, इसका फाइंड करोगे तो भी -12 आएगा। फिर मैंने नोट किया बी क्या है, B = 2 into A, फिर जो मैंने पहला प्रॉपर्टी लिखवाया वो मैंने आपको यहाँ पे लगवा दिया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जल्दी कमेंट करो, यहां तक क्लियर हो गया सब आपको, तो हम आगे एग्जांपल, और एग्जांपल है उसमें प्रॉपर्टीज ही यूज करेंगे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया यहां तक सब? ओके, यहां तक सब क्लियर, यहां तक सब क्लियर, प्रॉपर्टी 4 बाद में आएगी, टेंशन ना लो, यहां तक सब क्लियर हो गया? ओके ओके ओके, चलो अभी दूसरा एग्जांपल मैं लिखवा रहा हूं, वो लिखना, वो मींस उसमें भी प्रॉपर्टीज ही यूज होंगी, आपको सारी प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। देखो अगर प्रॉपर्टीज पता होंगी तो कैसे पूरा मामला साफ हो रहा है, बहुत सिंपल हो रहा है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज लगवाई। तो अभी देखो यहां पे लीनियर अलजेब्रा जो भी चल रहा है सिंपल ही चलेगा, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, पूरा मैक्स ही सिंपल है, देखो आप खुद ही आंसर दे रहे हो। तो अभी यहां पर लिखो, अभी एक एग्जाम्पल लिखो, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, A is equal to 1 2 3 0 0 0 1 4 5, ठीक है, तो पूछा है what is determinant of A inverse, what is determinant of A inverse, चलो इसको find करो, जल्दी जल्दी इसको find करो। इसका दूसरा question भी यहां पे लिख रहा हूं, दूसरा example भी यहां पे लिख रहा हूं, इसका answer निकालो जल्दी, और दूसरा example भी, अभी सारे examples ही करवाऊंगा, example बहुत बढ़िया example लेके आया हूं आज, ठीक है ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको, जल्दी फटाफट, जल्दी कहाँ गए कॉलम वाले एग्जांपल, और भी एग्जांपल है, टेंशन ना लो, एग्जांपल्स बहुत है आज, बहुत भर भर के एग्जांपल लेके आया हूँ, ठीक है ठीक है। चलो जल्दी, अभी एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल है A = A037, ये थोड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल, A037 2513 2513 0024 0024 0000B, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 100 एंड ट्रेस ऑफ A एंड ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 14, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 14, देन फाइंड मोड ऑफ A - B इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है।
चलो इसको भी सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसका आंसर क्या आया? ओके 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 ओके, चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, 1/4, वेरी गुड, 1/4। ओके चलो अभी देखो इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व होगा, ये सिंपल है। देखो अभी कुछ लोग यहाँ पे चालाकी ना करें, देखो इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज पहले ही लिखवाई, कुछ लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे जिनको प्रॉपर्टीज पता नहीं है, पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, 3x3 का इन्वर्स निकालोगे, बहुत टाइम जाएगा, मैंने अभी तक सिखाया भी नहीं है, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। लेकिन हमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो यहां पे सिंपली ध्यान दो, एक लॉजिक तो ये हो सकता है कि आप क्या करो, जैसे कि मैंने पहले बोला जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो एलिमेंट्स है उस रो के अलोंग हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो हम थर्ड रो के अलोंग डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं, हमने बोला था अगर हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो, अगर हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो तो क्या होगा, उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो उसके जो डायगोनल एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट ही होगा। यहां पर ध्यान दो, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो है, अपर हो या लोअर हो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे दिख रहे हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स यहां पे दिख रहे हैं उनका प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट, तो सिंपली क्या होगा, 1/1 × 4 × 1 which is 0.25। तो जो मैट्रिक्स ए इनवर्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0.25। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ये तो एग्जांपल बहुत इजी था, लेकिन यहां पे दम लगाने वाला एग्जांपल इसके बाजू वाला है, इसके बाजू वाला एग्जांपल में हमें दम लगाना है। देखो कैसे, इसमें एक 4x4, सबसे पहले क्या दिया है, 4x4 मैट्रिक्स, क्या दिया है, 4x4 मैट्रिक्स। फिर हमें क्या बोला है, यहां पे दो इंफॉर्मेशन दी गई है, एक दिया गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 100, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है 100। दूसरी इंफॉर्मेशन हमें यह दी गई है कि इसका ट्रेस क्या है 14, इसका ट्रेस क्या है 14, तो किसी का a-b आया कि नहीं, किसी का a-b3। ओके चलो यहां पे अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ट्रेस क्या होता है वो देखते हैं, ट्रेस होगा अपना, ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 14, तो ट्रेस ऑफ a क्या होगा वो देखो, ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू, जो हमारे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका समेशन को हम बोलते हैं ट्रेस ऑफ डेट मैट्रिक्स। तो इधर ट्रेस ऑफ a क्या होगा, a+5+2+b = 7+b, ये क्या होगा, ट्रेस ऑफ a। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करेंगे, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रेस क्या होता है, जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं सिंपली उनका क्या लेना है, समेशन लेना है। तो यहां पे एक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, 7+b = 14, क्योंकि ट्रेस हमें दिया गया है, क्योंकि ट्रेस हमें दिया गया है। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें 100 दिया गया है, और जो मैट्रिक्स दिया गया है उससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकलेगा वो भी देखते हैं। तो अगर मुझे 4x4 मैट्रिक्स दिया गया है, लेकिन यहां पे गेम है, देखो क्या, जो भी स्टूडेंट को यहां पे डिटर्मिनेंट निकालना है तो उसको एक बात हमेशा याद रखनी है, उस रो या उस कॉलम को पकड़ो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। तो इस रो में हम फर्स्ट रो के अलोंग डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, सिंपली देखो सेकंड रो के अलोंग भी नहीं निकालेंगे, थर्ड रो के अलोंग भी नहीं निकालेंगे, फोर्थ रो के अलोंग निकालेंगे, क्योंकि फोर्थ रो में 3 एलिमेंट मेरे जीरो है, तो उनका तो टर्म डिटर्मिनेंट में आएगा ही नहीं, डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही टर्म आएगा, क्या, ये वाला b वाला टर्म, और इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और उनका क्या ले लेंगे, सिंपली प्रोडक्ट ले लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, सिंपली यहां पे देखो, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, सिंपली माइनर ही होगा, उसके साथ प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा, तो हमें पता है जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ प्लस माइनस, फिर आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस। तो b एलिमेंट क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू b, जो एलिमेंट होता है वो, फिर उसके साथ साइन क्या होगा, प्लस होगा, फिर उस एलिमेंट का क्या होगा, माइनर होगा। तो उस एलिमेंट का, b वाले एलिमेंट का माइनर कैसे निकालेंगे, जिस रो में b है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में b है उस कॉलम को डिलीट करो, बाकी जो यहां पे सब मैट्रिक्स दिख रहा है उसका हम क्या लेंगे, सिंपली डिटर्मिनेंट लेंगे। तो b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a 03 2 5 1 0 0 2
251002। क्लियर होगा इतनी बात। अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो सिंपली क्या होगा, देखो इसमें भी हम थर्ड रो के अलोंग जाएंगे क्योंकि थर्ड रो में दो एलिमेंट मेरे क्या है, जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये एलिमेंट टू, और इसके साथ साइन क्या लगेगा, प्लस या माइनस, देखो प्लस साइन लगेगा, और फिर जो एलिमेंट टू है उसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, वो क्या होगा, ए जीरो टू फाइव, ए जीरो टू फाइव। क्लियर हो गई इतनी बात। और ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल, तो 100 बराबर कितना आया, ए इंटू फाइव, फाइव ए माइनस जीरो, तो फाइव ए इंटू टू कितना होगा, टेन ए इंटू बी, 10a into b। क्लियर होगा इतनी बात। तो ab कितना होगा, ab बराबर होगा आपका 10, ab बराबर कितना होगा 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, b क्या होगा 10 by a, या हम बोल सकते हैं a क्या होगा 10 by b, क्या होगा 10 by b। क्लियर होगा इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। तो अभी सिंपली क्या करो, यहां पे रिलेशन, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है, अच्छा यहां तक किसी को डाउट है, ओके ओके ओके, यहां तक 7 + a, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां पे ध्यान दो, यहां पे क्या है, 7 + b + a भी आएगा, प्लस a भी आएगा इज इक्वल टू 14, तो यहां पे a प्लस 7, तो क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल टू 7 आएगा, a प्लस b इज इक्वल टू 7। क्लियर हो गई इतनी बात। और दूसरा रिलेशन मेरा यहां पे क्या निकला, 800 इज इक्वल टू 10 इंटू ए बी, मीन्स ए बी इज इक्वल टू, मीन्स ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 आएगा, ए बी इज इक्वल टू 10। क्लियर हो गई इतनी बात। तो b बराबर 10 बाय a या a इज इक्वल टू 10 बाय b। अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला मेरा एक पहला इक्वेशन हो गया, ये वाला मेरा एक दूसरा इक्वेशन हो गया, सिंपली इसको मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन से, क्योंकि a और b, मोड ऑफ a माइनस b निकालने के लिए a और b चाहिए, समझ गए इतनी बात। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान दो, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर उस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक अननोन में उसको सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, b और a मिल जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आप सॉल्व कीजिए, देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, यहां पे ध्यान दो, a प्लस b इज इक्वल टू 7 आया है, तो a, a प्लस b की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 बाय a, 10 बाय a इज इक्वल टू 7, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, a माइनस 5, a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो a क्या आया 5 और a क्या आया 2। अभी इसी इक्वेशन 2 को यूज करो, तो जब a 5 होगा तो b क्या होगा, 2 होगा, और जब a 2 होगा तो b क्या होगा, 5 होगा, तो दोनों का क्या लोगे, डिफरेंस का मॉडुलस लोगे, a माइनस बी, तो 5 माइनस 2 लो या 2 माइनस 5 लो, आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक किसी को डाउट है, ओके आंसर इज 3। ओके सर, क्या हम प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 100 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 100 नहीं ले सकते, वो तभी लेंगे जब आपका मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ही उसी केस में डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट से उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हाँ बिल्कुल, हो डिटरमिनेंट कैसे निकाले वो पहले मैंने बता दिया, ओके पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो, ओके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए या डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो जो उनके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे, लेकिन इस मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया सबको, ओके ये वाला एग्जांपल क्लियर हो गया सबको, ओके यहां तक किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि आगे और एग्जांपल्स है, जल्दी बताओ ये वाला एग्जांपल क्लियर सबको, इसमें कुछ डाउट है क्या, क्योंकि इसमें देखो ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया था, डिटरमिनेंट और ट्रेस दिया गया था, आपको दो अननोन्स पूछे थे ए और बी, फिर उनके डिफरेंस का क्या लेना था, मॉडुलस लेना था। क्लियर हो गया यहां तक, अरे कमेंट तो करो, हाँ बिल्कुल 3, वेरी गुड, जिसका भी 3 आ रहा है, जिसका भी 3 आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, ट्रायंगुलर बना के फिर भी कर सकते हो, लेकिन जो मुझे अप्रोच क्लिक किया मैंने वो बता दिया, ओके आप ट्रायंगुलर बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी आगे एक और एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल आज पूरे भरे भरे एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको करवाऊंगा, और कुछ एग्जांपल होमवर्क में भी दूंगा, यहाँ पे ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल, चलो नोट करो, मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, एक एग्जांपल नोट करो यहाँ पे, परफॉर्म दी फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन दी मैट्रिक्स
ओके एग्जाम्पल यहां पे नोट करो, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया गया है, क्या मैट्रिक्स है वो देखो, मैट्रिक्स है मेरे पास 3, 4, 45, 7, 9, 105, 13, 2, 195. तो क्या बोला है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इस पे दो ऑपरेशन इसने क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आपके पास एक ये मैट्रिक्स है, एक कोई भी मैट्रिक्स हो जो दिया गया है, इस पे ये दो ऑपरेशन परफॉर्म करो, क्या, एड द थर्ड रो टू द सेकंड रो. क्लियर हो गया. और दूसरा ऑपरेशन इसने क्या बोला है वो देखो, सबट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम, सबट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम. क्लियर हो गई इतनी बात. तो यहां पे देखो क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला था, एक मैट्रिक्स है, लेट अस से इट इज ए, उस पे हमें दो ऑपरेशन अप्लाई करने, क्या, एड द थर्ड रो टू द सेकंड रो, थर्ड रो को क्या कर दो सेकंड रो में ऐड कर दो, थर्ड रो को क्या कर दो सेकंड रो में ऐड कर दो, फिर एक मैट्रिक्स मिलेगा. अभी जो नया मैट्रिक्स मिला इसमें और एक ऑपरेशन करना है, क्या, जो थर्ड वाला कॉलम है वो फर्स्ट कॉलम से क्या कर दो सबट्रैक्ट कर दो, सबट्रैक्ट द थर्ड कॉलम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना, देन फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला. मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उस पे मैंने दो ऑपरेशन अप्लाई किए, एक देखो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, एक एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन है जो मैं बहुत जल्द आपको बताने वाला हूं. फिर उसने बोला उन दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटर्मिनेंट निकालो. ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो कैसे देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अभी यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे देखो, मैं कुछ यहां पे अप्रोचेस बता देता हूं, कुछ अप्रोचेस यहां पे सुपर ओके, डिटरमिनेंट ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो. अरे यार क्या रट के आए हो, क्या रट्टा मार के आए हो क्या. ओके चलो, अभी लगता है रट्टा ही मार के आए. देखो यहां पे क्या होगा, आपको एक प्रॉपर्टी अगर मैंने यहां पे लिखवाई थी वो क्या, कि आप ऐसा कर सकते हो, मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं, ये वाला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं, या ये वाला कॉलम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं, तो उससे डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता. यहां पे देखो सिंपली क्या बोला है, लेटेस्ट से मेरे पास, मैं इस मैट्रिक्स को ए बोल देता हूं, तो इसने क्या बोला है, एड द थर्ड रो टू द सेकंड रो, ये क्या है, इस टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है. हम क्या कर रहे हैं, इसने क्या बोला है वो ध्यान में देखो, जब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं, एड द थर्ड रो टू द सेकंड रो, इसका मतलब क्या है, सेकंड रो चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज हो जाएगा, सेकंड रो जो पहले था वो तो था ही, इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड रो भी एड हो जाएगा. अभी यहां पे एक बात आपको ये याद रखनी है, जब आप थर्ड रो को सेकंड रो में ऐड कर रहे हो तो कैसे ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम ऐड कर देंगे, इस रो का फर्स्ट एंट्री इस रो के फर्स्ट एंट्री में, इस रो का सेकंड एंट्री इस रो के सेकंड एंट्री में, इस रो का थर्ड एंट्री इस रो के थर्ड एंट्री में. ये डिटेल्ड ऑपरेशन में तब सिखाऊंगा जब रो इक्वलन फॉर्म और रैंक पढ़ेंगे, अभी ये सिर्फ इतना याद रखो, रो रैंक में ज्यादा क्लियर होगा. तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, थर्ड रो को क्या कर, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैंने थर्ड रो को ये स्केलर वन से मल्टीप्लाई किया और किसमें ऐड कर दिया, सेकंड रो में ऐड कर दिया. तो इससे एक बात ये नोट करो, जो एलिमेंट्स चेंज होंगे सिर्फ सेकंड रो के ही चेंज होंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स में कुछ भी चेंज नहीं होगा. क्लियर होगा इतनी बात.
क्लियर हो गई इतनी बात। ये जो थर्ड रो है वो हम सेकंड रो में ऐड कर रहे हैं, तो सिर्फ सेकंड रो के ही एलिमेंट्स चेंज होंगे, थर्ड रो में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो गई इतनी बात। सिमिलरली इसने क्या बोला है, सेपरेट दी थर्ड कॉलम फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, तो सिंपली क्या किया है, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में से हम थर्ड कॉलम सेपरेट कर देंगे। क्लियर होगा इतनी बात। या ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या किया, थर्ड कॉलम को माइनस वन जो स्केलर है उससे मल्टीप्लाई किया फिर ऐड कर दिया। तो ये जो दो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे हैं यहां पे देखो, इसमें कॉलम ऑपरेशन में भी सेम होगा, करस्पोंडिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस कॉलम में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, जो भी कॉलम है फर्स्ट कॉलम में ही चेंज आएगा। मतलब जिस कॉलम की हेल्प से दूसरे कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, जिसकी कॉलम की या रो की हेल्प ले रहे हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। क्लियर होगा इतनी बात। तो मैंने डिटर्मिनेंट में लिखवाया था, अगर इस टाइप का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आप अप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा। तो इसने क्या बोला, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करो, ये दो ऑपरेशन इसी टाइप के एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन है, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही होगा जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपका क्या करते हैं, डिटरमिनेंट चेंज नहीं कर सकते। इस टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन तीन टाइप के होते हैं मेनली, लेकिन इस टाइप का अगर अप्लाई करते हो, इस टाइप का अप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। बाकी के दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होते हैं वो हम सीखेंगे जब रो इक्वलन फॉर्म पढ़ेंगे। क्लियर होगा इतनी बात। तो सिंपली क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, वही क्या होगा जो ये दो ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स नया दिखेगा, मैट्रिक्स ये एक बात याद रखो, ये दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 100% डेफिनेटली आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो नया दिखेगा, मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा लेकिन डिटरमिनेंट उसका वही रहेगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का था। क्लियर होगा इतनी बात। अभी यहां पे देखो कैसे प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है, एक और प्रॉपर्टी का यहां पे यूज होगा। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, लंबा वाला प्रोसीजर लगाएंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए जो मैंने बताया। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, अगर एक मैट्रिक्स से उसमें दो रोज या दो कॉलम मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, मतलब कोई एक कॉलम है उसको मैंने किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया और दूसरे किसी कॉलम के साथ वो इक्वल हो रहा है, तो उस केस में डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, ये देखो, ये फर्स्ट कॉलम को देखो और यहां पे थर्ड कॉलम को देखो, यहां पे थर्ड कॉलम को देखो, मैं थर्ड कॉलम को बोल देता हूं C3, ये क्या है 15 into C1, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम ये क्या है, मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसका मतलब जब जैसे हमने बोला कोई भी मैट्रिक्स हो उसमें अगर दो रो या दो कॉलम या उससे ज्यादा मल्टीपल ऑफ ईच अदर है तो उस मैट्रिक्स का डेफिनेटली डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सिंपली जीरो, क्या होगा, जीरो। वही जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा ये दो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद उसका भी डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इस टाइप के आपका डिटरमिनेंट चेंज नहीं करते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। ओके हाँ सर, प्रॉपर्टी यूज करके जीरो, अरे प्रगति में मजाक कर रहा था, इतना सीरियस मत लो। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वेरी गुड सज्जे, C3 इज इक्वल टू 15C1, इसलिए इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, सिंपली जीरो हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे और एग्जांपल है वो भी करेंगे। यहां तक किसी को कुछ डाउट है जल्दी बताओ, दो एग्जांपल और लेंगे डिटरमिनेंट के। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बता दो, तो अभी हम क्लियर कर दे, नहीं तो आगे और अच्छे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। ओके जल्दी 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 फटाफट बताओ, यहां पे, यहां तक किसी को कुछ डाउट, यहां तक किसी को कुछ डाउट है। ओके जीरो, वेरी गुड जीरो, बिल्कुल बहुत अच्छे, जीरो जीरो जीरो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, क्लियर। ओके चलो एक और एग्जांपल, अभी यहां पे एग्जांपल सी मैं करवाऊंगा, पूरा आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा डिटरमिनेंट का, भूलोगे ही नहीं, वो मैं इंटेंशनली करवा रहा हूं ताकि आपको प्रॉपर्टीज के साथ आप यूज टू हो जाओ कैसे यूज करने प्रॉपर्टीज। क्लियर हो गई इतनी बात। यहां पे देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैं गेट के ही क्वेश्चंस करवा रहा हूं और सिंपली आपको बता रहा हूं, गेट के जो मैक्स से क्वेश्चन है उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी ले लो, लीनियर अलजेब्रा ले लो,
कैलकुलस ले लो, कॉम्प्लेक्स ले लो, या न्यूमेरिकल मेथड्स ले लो, या क्या ले लो, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है, जो मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उसी का ही एप्लीकेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गेट के क्वेश्चंस में। कुछ ऐसा तो है नहीं डरावने वाली बात। चलो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, यहाँ पे बोला है एक मैट्रिक्स से ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दो, एक मैट्रिक्स से ए इज इक्वल टू 2-4, 7 इंटू 195। ये दो मैट्रिक्स हैं, ये दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स से ए जिसको ऐसे डिफाइन किया गया है दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से, तो पूछा गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ। डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें पूछा गया है, इसको फटाफट सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा, इसको फटाफट सॉल्व करो, इसको जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ वही बोल रहा हूँ, कन्वेंशनल से मत करो भाई, कन्वेंशनल से टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ। और ये जो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो ये प्रैक्टिस से आएगा, क्लियर हो गई इतनी बात, ये प्रैक्टिस से आएगा। वन, ओ माय गॉड, वन। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए, उसको कैसे डिफाइन किया है दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के, फिर पूछा है कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, जल्दी पूछा, जल्दी इसका आंसर निकालो, जल्दी इसका आंसर निकालो, इसका आंसर निकालो। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, कंसीडर्ड एग्जांपल, ये तो बहुत इजी है। कंसीडर द मैट्रिक्स, यहां पे लिखो J6, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। J6 इज इक्वल टू, मतलब ये 6x6 मैट्रिक्स दिया गया है, 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 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
जीरो 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 और बढ़ो आगे 1 0 0 0 0 0 क्लियर हो गई इतनी बात। ये दिया है J6 और बोला है एक दूसरा मैट्रिक्स डिफाइन किया है P इज इक्वल टू J6 प्लस अल्फा इंटू I6 देन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ P इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट ये हमें पूछा गया है। क्लियर हो? ये बहुत ही इतना लग रहा है ये डराने के लिए दिया है 6x6 इसमें कुछ भी नहीं है देखना इसमें भी प्रॉपर्टी काम आएगी लेंदी प्रोसेस से करोगे फंस जाओगे ठीक है। तो J6 दिया गया है उसको ये मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है एक दूसरा मैट्रिक्स डिफाइन किया है पी क्या है J6 प्लस अल्फा इंटू I6 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6 then if determinant of this resultant matrix P is equal to 0 then alpha is equal to what can't be determined। अरे वाह वाह क्या बात है can't be determined okay can't be determined यार ये कैसे हो गया अभी यहां पे ध्यान दो चलो can't be determined देखो जो ये प्रॉपर्टी अभी यहां पे ध्यान दो जो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी a into b is equal to determinant of a into determinant of b into determinant of a into determinant ये तभी है ये रिलेशन किसके लिए ट्रू है जब दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो क्लियर हो गई ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस क्या हो स्क्वायर मैट्रिसेस हो लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है तो ये तो प्रॉपर्टी यहां पे लगेगी नहीं यहां पे ये तो प्रॉपर्टी लगेगी नहीं तो कौन लेकिन जो लोग बोल रहे हैं इसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा वो बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि ये वाले मैट्रिक्स का मुझे साइज बताओ क्या है 3x1 इसका क्या है 1x3 तो इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो ये प्रोडक्ट तो डिफाइन हो रहा है और रिजल्टेंट का साइज क्या होगा 3x3 जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट निकलेगा कांट बी डिटरमाइंड वाले कहां भाग गए ओके -1 होगा सेकंड का वो ठीक है सेकंड को छोड़ो पहले पे आओ यार क्या कर रहे हो तुम लोग देखो यहां पे वो जो प्रॉपर्टी बताई थी प्रोडक्ट वाली वो एप्लीकेबल है वो ट्रू है जब दोनों मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो दोनों मैट्रिसेस क्या हो स्क्वायर मैट्रिसेस हो दोनों की साइज क्या हो सेम हो जो ये वाली यहां पे याद रखो जो ये वाली मैंने प्रॉपर्टी बताई थी
ये तभी एप्लीकेबल जब तभी ट्रू है जब दोनों मैट्रिसेस का साइज सेम हो और दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हो। क्लियर हो गई इतनी बात? लेकिन यहां पे कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स है, ये एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स है, जो कि सच है, लेकिन सर इन इंडिविजुअल मैट्रिसेस का तो डिटरमिनेंट निकलेगा ही नहीं क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस है ही नहीं, तो इसलिए इसका जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं कर सकते। गलत है। यहां पे देखो इसका इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन होगा क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉ सेम है 1-1 और रिजल्टेंट क्या आएगा 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर होगा इतनी बात? ओके, फर्स्ट का आंसर 0 अभी आई ना बात, देखो ए कैसे निकलेगा, इसका सिंपली प्रोडक्ट निकालना है, 3x3 मैट्रिक्स अपना बनेगा 3x3 मैट्रिक्स, तो कैसे निकलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 2 × 1 2, सेकंड एलिमेंट क्या आएगा 2 × 9 18, थर्ड एलिमेंट क्या आएगा 2 × 5 10, इसका सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा -4 × 1 -4, -4 × 9 कितना आएगा 9 -36 -4 × 5 -20, ये क्या आएगा 7 × 1 7, 7 × 9 63, 7 × 5 35। क्लियर होगा इतनी बात? यहां तक कुछ क्लियर? यहां तक सब क्लियर? अभी यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, क्या कन्वेंशनल अप्रोच से निकालोगे, क्या कन्वेंशनल अप्रोच से निकालोगे, या इस मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टी लगा के भी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट केस में जो ये वाला केस है, जो फर्स्ट केस है, ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया, पहले तो वो भूल जाओ कि इसका डिटरमिनेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ये 3x3 मैट्रिक्स बन रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, तो डेफिनेटली इसका आपको डिटरमिनेंट मिलेगा। लेकिन अभी मुझे ये बताओ, क्या इस मैट्रिक्स में मैं कन्वेंशनल अप्रोच लगाऊं, क्या इस मैट्रिक्स में मैं कन्वेंशनल अप्रोच लगाऊं, या फिर क्या करूं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। C3 = 5C1, वेरी गुड, C3 = 5C1। यहां पे ध्यान दो, ये वाला कॉलम देखो और ये वाला कॉलम देखो, तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए के लिए C3 = 5C1, इसका मतलब डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा, डिटरमिनेंट सिंपली क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर होगा इतनी बात? यहां पे देखो दो कॉलम क्या है, मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो फर्स्ट केस का आंसर क्या आ गया जीरो, वेरी गुड। R2 = 2R1, बिल्कुल R2 = 2R1 भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कोई भी एक अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी एक पेयर ऑफ कॉलम्स और रो मल्टीपल ऑफ ईच अदर है, तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर होगा इतनी बात? वेरी गुड। अभी आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, मेन जो गेम है वो सेकंड क्वेश्चन में, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें भी प्रॉपर्टी का ही यूज होगा, चलो देखते हैं कैसे। P क्या है, J6 + α × I6, P क्या है, J6 × α × I6, तो J6 तो लिखा ही हुआ है, चलो मैं इधर ही दिखा देता हूं, P क्या है J6 + α × I6, तो यहीं पे ही हम डिफाइन कर देते हैं इसको, P को यहीं पे ही डिफाइन कर देंगे, कैसे, P is equal to α × I6, अगर करेंगे α × I6, तो यहां पे क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका साइज क्या होगा 6x6, और अल्फा क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स की हर एंट्री अल्फा के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन I6 में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जिनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो ये पहला आएगा अल्फा 0 0 0 0 0, क्योंकि 6x6 मैट्रिक्स है, 0 अल्फा 0 0 0 0, यहां पे क्या आएगा 0 0 अल्फा 0 0 0। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां पे आगे बढ़ो, यहां पे क्या होगा 0 0 0 अल्फा 0 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
का ही बनेगा, क्योंकि दो मैट्रिक्स 6x6 के हम ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी क्या बनेगा 6x6। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस 0 अल्फा, बाकी के बीच के एलिमेंट चार क्या आएंगे 1 0 आएंगे 0 0 0 और 1।
ठीक है, यहां पे देखो 0+0 0 और यहां पे क्या आएगा अल्फा प्लस 0, क्या आएगा अल्फा, फिर बीच के दो एलिमेंट आएंगे 0 0, फिर 1+0 1, फिर ऐसे ही क्या हो जाएगा 0, फिर यहां पे देखो क्या आएगा 0+0 तो 0 0, 0+0 0 0+0 0, अल्फा प्लस 0 अल्फा, और फिर यहां पे क्या आएगा 0+1, ये क्या आ गया 1 0 0. सिमिलरली फोर्थ में देखो क्या आएगा 0+0 0 0+0 0 1+0 0 0 1 अल्फा 0 0, चार हो गए. पांचवे में देखो क्या आएगा 0+0 0 0+1 1, फिर क्या आएगा दो एलिमेंट आएंगे 0 0, फिर अल्फा 0, फिर लास्ट एलिमेंट देखो क्या आएगा, लास्ट रो पकड़ो क्या आएगा 0+1 1 0 0 0 0 अल्फा. क्लियर होगा इतनी बात, यहां तक सब क्लियर है. अभी यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स P का डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. इस मैट्रिक्स P का क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए. तो चलो यहां पे अभी इसका कुछ भी काम नहीं है, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा. वो देखो इस मैट्रिक्स P का डिटरमिनेंट बोला है 0 होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट ऑफ P शुड बी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ P शुड बी इक्वल टू 0. तो यहां पे देखो सिंपल दिख रहा है, यहां पे कुछ नौटंकी करनी ही नहीं है, सिंपल मुझे दिख रहा है. अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 1 रखूंगा, अल्फा इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो फर्स्ट और सेकंड रो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट रो क्या हो जाएंगे, इक्वल. सिंपली अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 रखते हो, अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 रखते हो तो फर्स्ट रो क्या बनेगा 1 0 0 0 1, सेकंड रो भी क्या बनेगा 1 0 0 0 0 1. अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट और सिक्स्थ रो होंगे वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, मुझे बाकी के जो चार रोज है उनमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बस दो रो अगर सेम आ गए हैं तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा 0. तो अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए जो ये मैट्रिक्स बना पी, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 0. इसमें लंबा प्रोसेस मत लगाने बैठना, ठीक है, क्लियर होगा इतनी बात. ओके, अल्फा इज 1, अल्फा इज 1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अल्फा इज 1, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर्टीज का ही यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो. जैसे मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी वैसे ही आप प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हो और आपके रिजल्ट आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के. क्लियर हो गई इतनी बात, वेरी गुड. ओके ओके, चलो यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो इस क्वेश्चन में देखो अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए R1 और R6 दोनों इक्वल हो जाएंगे. इसका मतलब इस केस में जब अल्फा इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि R1 और R6 दोनों रो सेम हो गई, तो इसका मतलब डेफिनेटली इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा. इसमें कुछ भी लेंथी प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है. क्लियर होगा इतनी बात, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़े नया टॉपिक ले, क्योंकि जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट हमने सारे टाइप के कवर कर लिए हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए. अभी आगे हम इनवर्स पे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको डिटरमिनेंट का कौन से पता है, कोफैक्टर का भी कौन से पता है, तो हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं कहां पे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है. ओके, यहां तक सब क्लियर हो गया ना, ठीक है. अभी यहां पे ध्यान दो डिटरमिनेंट का, जो देखो डिटरमिनेंट के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने पहले कॉन्सेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था, माइनर का, कोफैक्टर का, डिटरमिनेंट का, उसके बेस पे हमने यहाँ पे 6 से 7 एग्जांपल देखे और एग्जांपल में प्रॉपर्टीज का कैसे यूटिलाइजेशन करना है वो हमने सीखा. मेन जो ज्यादा एग्जांपल्स लेने का जो रीजन था वो एक ही था, क्या, आपको प्रॉपर्टीज रिकॉल करवाना और प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करनी है वो देखना. अभी लेटेस्ट से कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पता नहीं होती तो आप क्या करते, फिर 6x6 का कन्वेंशनल मेथड से डिटरमिनेंट निकालते, कुछ भी रो या कॉलम ऑपरेशन लगा के या कोफैक्टर वाला मेथड लगा के, फिर उसको इक्वेट 0 के करते, फिर अल्फा निकालते. लेकिन हमें यहां पे दिख गया अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए दो रो सेम हो रहे हैं, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के दो रोज या दो कॉलम सेम है, उससे ज्यादा भी सेम हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर एटलीस्ट दो रोज या दो कॉलम सेम है तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, 0. क्लियर हो गई इतनी बात. चलो अब आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, क्योंकि अभी हमें डिटरमिनेंट का आइडिया आ गया है, हमें कोफैक्टर का भी आइडिया आ गया है, इसका मतलब अभी क्या है, हम रेडी हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए. क्योंकि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमको इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए थे वो चाहिए थे यही, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट हमें कोफैक्टर से मिलेगा, कोफैक्टर क्योंकि हमें पता है तो एडजॉइंट निकालना बहुत ही इजी है। और इनवर्स जब निकालेंगे तो 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए शॉर्टकट भी होता है, वो मैं आपको शेयर करूंगा, और इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो भी हम देखेंगे, फिर उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी देखने वाले। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि मतलब अभी 20 दिन छूट गए हैं तो सेशन अभी लंबे चलेंगे, क्योंकि मुझे आपको पूरा जी सेवियर में मैथ्स को क्या करना है, सम अप करना है, सब सारी चीजें आपको बतानी है, सिर्फ लीनियर अलजेब्रा नहीं है और भी सारी चीजें हैं आगे। तो आई होप डिटर्मिनेंट के जो भी चीजें थी आपको सारी क्लियर हो गई है। अभी हम बढ़ते हैं इनवर्स की तरफ। अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट में कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप प्लीज यहाँ पे सर एडिशन प्रॉपर्टी यूज करके नहीं कर सकते, एडिशन प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल। अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन से भी आंसर आएगा प्रियांक, अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन से बिल्कुल आंसर आएगा, लेकिन जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन था ये गेट का था, इसमें कंडीशन इम्पोज की गई थी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, बिल्कुल अल्फा वन भी पॉसिबल है, अल्फा माइनस वन भी पॉसिबल है। तो एनडी टाइप क्वेश्चन था तो उसमें कैसे लिखोगे दोनों आंसर, तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा कंसिडर करनी है, बिल्कुल। ओके 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 ओके, चलो यहां तक क्लियर। चलो अभी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं, चलो इनवर्स हम पढ़ते हैं अभी, क्योंकि इनवर्स पे भी हमें कुछ प्रॉपर्टीज पे काम करना है, फिर प्रॉपर्टीज के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं, फिर आपको होमवर्क भी दूंगा क्वेश्चंस। तो चलो यहां पे देखते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को आज हम खत्म करेंगे, क्योंकि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अगर खत्म हो गया तो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम रो इक्वलन फॉर्म पढ़ेंगे। रो इक्वलन फॉर्म अगर समझ में आ गया तो रैंक बहुत इजी है, रैंक आ गया तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे जंप करेंगे, डायरेक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझना बहुत इजी है, उस पर प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके बाद आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स पे हम जाएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे लीनियर अलजेब्रा को, क्योंकि हमें दूसरे चैप्टर्स भी जल्द से जल्द स्टार्ट करने हैं। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सबसे पहली बात इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो जैसे कि हमने बोला था ट्रेस का कॉन्सेप्ट हो, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट हो, तो आप क्या किसके लिए डिफाइन करते हो ये सब चीजें, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो जब इनवर्स की बात करेंगे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सिर्फ डिफाइन होगा। क्लियर होगा इतनी बात, तो कैसे लिखेंगे, लेट अस से इफ A is a square matrix, if A is a square matrix, if A is a square matrix, if A is a square matrix, then there exists, then there exists a matrix B such that, क्या है यहाँ पे ध्यान दो, if A is a square matrix, then there exists a matrix B such that, जब इन दोनों मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे किसी भी मीन मल्टीप्लीकेशन लेंगे किसी भी ऑर्डर में, रिजल्ट क्या आना चाहिए, इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस केस में हम बोलेंगे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स A और मैं ऐसा कोई मैट्रिक्स ढूंढता हूं B, जैसे कि इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं प्रोडक्ट लूं किसी भी ऑर्डर में तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस केस में मैं बोलूंगा B is the inverse of A और हम B को लिखेंगे इज इक्वल टू A इनवर्स। इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका इन्वर्टेबल है, अगर वो इन्वर्टेबल है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कैसे डिनोट करते हैं, A टू द पावर माइनस वन लिखेंगे। वो क्या डिनोट करता है, जो आपका मैट्रिक्स है A उसका इनवर्स। इसका मतलब क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था A, उसको उसके इनवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। और यहां पे कुछ चीजें नोट करो, तो ये हो गया अपना ए इनवर्स। अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स से A, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर,
इज नॉन सिंगुलर। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया? अदरवाइज इट इज सिंगुलर, अदरवाइज इट इज सिंगुलर। क्लियर हो गई इतनी बात? तो कोई भी मैट्रिक्स है अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मीन्स अगर एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर कोई मैट्रिक्स जो इन्वर्टेबल नहीं है, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिंपली क्या होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात? अभी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो ए हम ऐसे डिफाइन करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो उसका इनवर्स ऐसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट क्या होता है हम देखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, डिटरमिनेंट ऑफ ए से। क्लियर हो रही इतनी बात? तो धीरे धीरे यहां पे कॉन्सेप्ट समझो, धीरे धीरे क्या नलिटी वो सब हम सीखेंगे नलिटी जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाएंगे तब सीखेंगे, धीरज रखो ठीक है। नलिटी क्या होता है सब देखेंगे, इतना एक्साइटेड रहो जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं वो अभी देखो, नलिटी क्या होता है, रैंक क्या होता है, वो सब जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाओगे तो वहां पे समझ में आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां पे मुझे अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए? उसका एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट लेते हैं तो वो एक नया मैट्रिक्स हमें मिलता है, और डिटर्मिनेंट सिंपली क्या है? एक नंबर है। तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जो क्या होगा? उस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। क्लियर होगा इतनी बात? अभी यहां पे देखो, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो गया? 1/0, जो कि अनडिफाइंड है इस केस में। इसका मतलब क्या है? अगर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर 0 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है? वो मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। इसका मतलब हमें ये चेक करना हो कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है, तो सिंपली क्या चेक करेंगे? डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? सिंगुलर, क्योंकि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? ये मैट्रिक्स क्या है? नॉन सिंगुलर। इसका मतलब अगर मुझे ये चेक करना है कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो सिंपली क्या करेंगे? उसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉन 0 आ गया तो नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर के केस में ही हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे, सिंगुलर के केस में हम इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ चीजों को हम सीखेंगे। अभी यहाँ पे धीरज रखो थोड़ा, और एग्जांपल्स भी करवाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट सीखो। और ज्यादा गेट में इनवर्स के जो क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम 3x3 तक ही आते हैं, क्योंकि ये इनवर्स निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और 3x3 या ज्यादातर 2x2। और अच्छी बात यह है, 2x2 और 3x3 के लिए हमारे पास शॉर्टकट भी अवेलेबल है, लेकिन पहले हम प्रोसीजर समझते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, लेटर से मेरे पास एक एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? जो हमारा मैट्रिक्स है ए, उसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज, उसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज लेंगे। हमें पता है, सारे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स दिया गया हो उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, एलिमेंट्स का, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फिर उस कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट तो निकालना हमें आता ही है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करेंगे तो सिंपली हमें क्या मिलेगा? सिंपली हमें मिलेगा इनवर्स ऑफ डेट मैट्रिक्स। लेटर से मेरे पास एक ऐसी लेटर से एक मैट्रिक्स से ए, जैसे कि मैं लिख लेता हूं, चलो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्लियर होगा इतनी बात? तो इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा वो देखो। पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना हम जानते हैं, उसको हम बोलेंगे C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32,
C33, क्लियर हो गया इतनी बात। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का सिंपली हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, फिर उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इनवर्स ऑफ डेट मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। गेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2x2 या 3x3 तक ही आते हैं, 2x2 या 3x3 तक ही आते हैं, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। उनके लिए हमें ये कन्वेंशनल अप्रोच पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हमारे पास शॉर्टकट्स हैं। वो कैसे, मैं शॉर्टकट्स ही आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान देना, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है 2x2 मैट्रिक्स। जो भी इनवर्स के क्वेश्चन आए ज्यादातर 2x2 के लिए ही आए हैं, तो यहाँ पे ध्यान दो। लेट अस से मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्लियर होगा इतनी बात। तो मुझे इसका ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए डी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अभी देखो 2x2 के केस में सिंपली एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, 2x2 में अगर एडजॉइंट निकालना है तो सिंपली क्या करो, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो। कैसे इंटरचेंज, मतलब ए की जगह डी चला जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा, तो ये क्या हो गया डी, और यहाँ पे क्या आ गया ए आ गया। और जो यहाँ पे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो, अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, उनके मैंने साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली अगर मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है उसका मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो सिंपली क्या करूंगा, डायगोनल एलिमेंट्स को शिफ्ट कर इंटरचेंज कर दूंगा, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, प्लस है तो माइनस कर दूंगा, माइनस है तो प्लस कर दूंगा। क्लियर होगा इतनी बात। तो डिटरमिनेंट तो हमें हमारे पास आ गया, 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 1/AD-BC इनटू क्या हो जाएगा, D-B-CA। क्लियर होगा इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, सब क्लियर हो गया यहां पे, ओके यहां पे सबको क्लियर हो गया 2x2, क्योंकि आप भी आगे एग्जांपल लेंगे, आगे एग्जांपल लेंगे, इसलिए ध्यान दो। 2x2 का डिटरमिनेंट, सॉरी इनवर्स निकालने का ये सिंपल प्रोसीजर है। अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो सिंपली हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर दिया मैंने, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन क्या कर दिए, ऑपोजिट कर दिए, अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ओके यहां तक सब क्लियर, ओके यहां तक सब क्लियर। अभी यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम, यहां पे देखते हैं प्रॉब्लम। तो अभी जो भी मैं सिखाऊंगा प्रॉब्लम्स के थ्रू ही सिखाऊंगा। 3x3 का शॉर्टकट कैसे होता है वो मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको बताऊंगा कैसे होता है। उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, कोफैक्टर ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली सिंपली एक मेथड होता है, वो मैं आप बताऊंगा, चुटकियों में आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। वो एक शॉर्टकट है, सिर्फ 3x3 के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ये वाला जो प्रोसीजर है 2x2 के लिए एप्लीकेबल है, सिंपली जो आगे देखेंगे वो सिर्फ 3x3 के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर 4x4 पे चले गए तो कोफैक्टर मेथड से ही करना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तो ही हमें एडजॉइंट मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि गेट में जो इनवर्स के क्वेश्चन आए मैक्सिमम 2x2 या 3x3 से ही आए हैं। क्लियर होगा इतनी बात। चलो अभी क्वेश्चन लिखो, अभी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्योंकि अभी क्वेश्चंस मैथ्स में वही है, क्वेश्चन से ही आपको ज्यादा क्लियर होगा। इफ 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 ए इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू 2-0.1। लेक्चर को अभी आधे में मत छोड़ना, आगे एडजॉइंट के डिटरमिनेंट पे बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो। 0.3 इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 0.5 a 0 b। क्लियर हो गई इतनी बात। तो क्या दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, वो क्या है 2-0.103। ए इनवर्स, उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी दिया गया है 0.5 a 0 b। देन पूछा है, देन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, देन a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। फटाफट इसको सॉल्व करो, यही मेथड लगानी है जो मैंने बताया 2x2 के लिए, या और कुछ भी क्लिक होता है लगाओ, लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ, a प्लस बी कितना होगा। ओके ओके
ओके ओके ओके ओके ओके बिल्कुल, जल्दी जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी आ, तो 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट पहले ढूंढ के आना। ओके 2.1, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में क्या है, ए दिया गया है, ए इनवर्स दिया गया है और पूछा है ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी बराबर क्या होगा वो पूछा गया है। तो सिंपली कैसे सॉल्व करोगे इसको, आपको सब प्रोसीजर पता है, प्रोसीजर पता है कैसे करना है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। तो फिर 3x3 मैट्रिक्स पे भी हम बढ़ेंगे, 3x3 मैट्रिक्स पे हम बढ़ेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इनवर्स की। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर एक मैट्रिक्स है ए जिसकी एंट्रीज है 2 -0.103 और उसका इनवर्स बताया गया है 0.5 a 0 b, तो पूछा है a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, जल्दी निकालो। 0.1 एंड 0.33 ये कैसे हो गया, 0.1 एंड 0.33 ये कैसे हो गया, 0.035, ओ माय गॉड, 21/60, 21/60, हाँ 21/60 वाले सही है, 21/60 वाले यहाँ पे सही है, इसका आंसर होगा 21/60, वेरी गुड। देखो कैसे इसको कैसे सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ। हमें पता है दो मैट्रिक्स हो, एक मैट्रिक्स से ए उसको इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, 2 -0.1 0 3 0 3 0.5 a 0 b, ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0। इन दो यहां पे दो इक्वेशन बनेंगे a और b के फॉर्म में, उसको सॉल्व करो आपको a और b मिल जाएगा, और a प्लस बी निकालोगे तो यही आंसर आएगा जो यहां पे दिया गया है, 21/60 और 7/20 और 7/20। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया, यहां तक सबको क्लियर है, ओके 21/60 वेरी गुड, 7/20 ऑप्शन में आंसर था, इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो रिड्यूस हो सकता है 7/20। यहां तक किसी को कुछ डाउट, जल्दी बताओ जल्दी, यहां तक किसी को कुछ डाउट है, क्लियर सर, ओके अभी चलो, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। देखो आगे क्या पढ़ने वाले वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे जो अभी यहां पे मैं सिखाऊंगा आपको, ध्यान देना, अभी जो मैं आपको सिखाऊंगा वो 3x3 मैट्रिक्स अगर आपके पास है तो उसका डिटर्मिनेंट के सॉरी उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताने वाला हूं। तो अभी का सेशन जो है वो ध्यान से देखना कैसे करना है, क्योंकि वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगा, इसलिए उसका जो शॉर्टकट है वो डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ आएगा आपको, तो वो अभी ध्यान देना कैसे। अभी लेटेस्ट से मेरे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, मैं सिंपल यहां पे लूंगा 3x3 मैट्रिक्स, तो यहां पे लेटेस्ट से मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ए ये भी एक क्वेश्चन गेट का ही है, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, 2 3 4 2 3 4 2 3 4 और क्या है 4 3 4 4 3 4 और क्या है 1 2 4, क्या है 1 2 4, इसका मुझे पूछा है इनवर्स निकालो, इसका क्या निकालो, इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है, क्लियर हो गई इतनी बात। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो वो एनडी टाइप पे नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन यहां पे नहीं लिखे हैं, अभी 3x3 मैट्रिक्स है मेरे पास तो इसका इनवर्स कैसे निकालेंगे वो यहां पे ध्यान दो। अभी अगर इनवर्स निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। तो फटाफट सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, जल्दी इसका आंसर निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 2 2 into 3 into 4 कितना होगा, 3 into 4 होगा 12 12 - 8 कितना होगा 4 - 3 - 3 तो क्या होगा 4 into 4 16 - 4 12 और फिर क्या आएगा +4 + 4 into क्या होगा 3 into 2 6 6 - 12 कितना होगा -6 होगा -6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा वो जल्दी से निकालो, क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 8 - 36 और ये कितना आ गया -24, कितना आ गया -24। तो यहां पे देखो क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 36, उसमें ऐड कर दो 24 तो कितना होगा 60, 60 में 8 माइनस कर दो कितना होगा -52, कितना आ गया -52, क्लियर हो गई इतनी बात। 36 + 24 कितना होगा 60, 60 में से 8 गए तो कितना होगा -52। यहां तक किसी को कुछ डाउट है,
बिल्कुल। चलो अभी देखो यहां तक सब क्लियर हो गया, यहां तक सब क्लियर हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखो क्या होगा। अभी मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए से पहले मुझे क्या चाहिए? कोफेक्टर मैट्रिक्स। कोफेक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो 3x3 के लिए देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का शॉर्टकट कैसे था, 2x2 में कैसे था। 2x2 में हमने शॉर्टकट निकाला था, यहां पे देखो मैं और आगे बता रहा हूं आपको। 2x2 में हमने कैसे निकाला था? तो 2x2 में हमने ऐसे निकाला था, इन जो डायगोनल एलिमेंट्स थे उनको इंटरचेंज कर दिया था, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को क्या किया था, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया था, मींस साइन इंटरचेंज कर दिया था। अभी यहां पे देखो इसका हमें अगर डिटरमिनेंट सॉरी एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बीच वाले रो को हम पकड़ेंगे, बीच वाले रो को पकड़ेंगे, देखो कैसे लिखेंगे, 3 फिर 2 फिर 3। देखो कैसे मैंने लिखा है यहां पे, ध्यान देना, 3 2 थ्री, पहले क्या लिखा, 3 2 3। फिर सिमिलरली लास्ट रो को लिखेंगे कैसे, 4, यहां पे लिखो कैसे, 4 4 4 4। क्लियर इतनी बात। फिर हम फर्स्ट रो को लिखेंगे कैसे, 4 1 2, कैसे लिखेंगे, 4 1 2। फिर लास्ट में ये फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 3 2 3। फिर लास्ट में फर्स्ट रो रिपीट करेंगे 3 4 4 3। क्लियर हो गई इतनी बात। अभी इन एलिमेंट्स को यूं पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 4, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 into 4। सिमिलरली 4 into 1 -4 into 4। सिमिलरली 4 into 2 -1 into 3। सिमिलरली 2 into 4 -3 into 4। 4 into 2 -4 into 1। 1 into 3 -2 into 2। 3 into 4 -3 into 4। 4 into 4 -4 into 2। 2 into 3 -4 into 3। तो यहां पे देखो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिलेगा ए सी, जिसको हम डिनोट करेंगे। कैसे मिलेगा वो यहां पे ध्यान दो। पहला एलिमेंट क्या होगा, 3 into 4 12, 12 -8 4, 12 -8 4। 4 into 1 4, 4 -16 कितना होगा, -12। यहां पे क्या होगा, 4 into 2 8, 8 -3 कितना होगा, 5। यहां पे क्या होगा, 2 into 4 8, 8 -12 कितना होगा, -4। 8 -12 कितना होगा, -4। 4 into 2 8, 8 -4 कितना होगा, 4। 1 into 3 3 -4 कितना होगा, -1। सिमिलरली यहां पे देखो 3 into 4 होगा 12, 12 -12 कितना होगा, 0। यहां पे क्या होगा, 4 into 4 16, 16 -8 कितना होगा, 8। 2 into 3 6, 6 -12 कितना होगा, -6। कितना होगा, -6। तो ये हमारा आ गया कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहां पर किस सबको ठीक है, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी -8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी -8। उसको हम देखते हैं यहां पे, उसको हम वापस आके देखते हैं। अभी यहां पे ध्यान दो, अभी यहां पे ध्यान दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाला। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे आते हैं वापस में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा। अभी यहां पे ध्यान दो, कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालना है, सिंपली सेकंड कॉलम को पकड़ना है, बीच वाले एलिमेंट से उल्टा जाके लिखना है कैसे, 3 2 3 3 2 3 आ गया। फिर कैसे लिखना है, 4 4 4 4 4 4। फिर कैसे लिखना है, 4 1 2। लास्ट वाले जो फर्स्ट कॉलम है उसको लास्ट में लिखना है 4 1 2। फिर फर्स्ट कॉलम को यहां पे रिपीट करना है 3 2 3। फिर लास्ट में एक बार ऊपर वाले रो को हमें लिखना है 3 4 4 3। फिर हम ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करके यहां पे जैसे मैंने बताया वैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, सिंपली कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लोगे, ट्रांसपोज लोगे, क्या लोगे, ट्रांसपोज। और डिटरमिनेंट आपको पता है, दोनों का डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर हो गई इतनी बात। चलो यहां पे देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट पे ध्यान दो, जिनका -8 आया है तो हम भी देखेंगे -8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने 2 वाले का 2 into 3 into 4, 3 into 4 कितना होगा, 12 होगा। 12 -8 कितना आया, 4 आया। माइनस क्या आएगा, 3। 3 का क्या आएगा, 4 into 4 16, 4 into 4 16, 16 -4 कितना आया, 12 आया। क्लियर हो गई इतनी बात। प्लस 4, तो प्लस 4 में देखो क्या होगा, 4 into 2 8, 8 -3 यहां पे आएगा 5। यहां पे क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहां पे कितना आएगा, 20 आएगा, प्लस का 20 आएगा। यहां पे कितना आएगा, 20। तो ये आ गया 28, तो डिटरमिनेंट आएगा -8। वेरी गुड, डिटरमिनेंट आ गया -8, वहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था।
देखो देखो, अभी मैं 3x3 मैट्रिक्स का आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। 3x3 मैट्रिक्स का अगर मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सिंपली क्या करो, पहले बीच वाले कॉलम को पकड़ो, बीच वाले कॉलम का जो बीच वाला एलिमेंट है पहले वो लिखेंगे, फिर नीचे वाला एलिमेंट लिखेंगे, फिर ऊपर वाला एलिमेंट लिखेंगे। सिमिलर वे में लास्ट कॉलम को लिखा, सिमिलर वे में मैंने फर्स्ट कॉलम को लिखा, फिर एक बार फिर से मैंने फर्स्ट वाला जो यहाँ पे जिस वे में कॉलम लिखा है उसको रिपीट किया, फिर एक बार जिस वे में यहाँ पे रो आया है वो वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ऐसा समझ लो ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या कर दिया, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के प्रोडक्ट को सबट्रैक्ट कर दिया। 3 × 4 12 माइनस 2 × 4 8। यहाँ पे जो ये 4 आया वो कैसे आया वो देखो, 3 × 4 कितना होगा 12 माइनस 4 × 2 8 4 आया। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट कैसे आएगा, 4 × 1 4 माइनस 4 × 4 16 4 माइनस 16 माइनस 12। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये मेरा बना कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लो सिंपली क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, और डिटरमिनेंट आपने ऑलरेडी निकाल दिया। ये हो गया 3x3 मैट्रिक्स का क्या, इनवर्स। क्लियर हो गया यहां तक, सब क्लियर? ओके, अरे यहां तक, यहां अभी बताओ, अभी सबको क्लियर हो गया? देखो डिटर्मिनेंट निकालने तो आता ही है आपको, जो माइनस 8 आया बिल्कुल ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालना है 3x3 मैट्रिक्स में, यहां तक क्लियर हो गया? ओके ओके, यहां तक अगर, यहां तक देखो मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, अभी भी अगर कोफैक्टर यहां पे निकालने में डाउट है तो जल्दी बताओ ताकि मैं इस डाउट को क्लियर कर दूं, क्योंकि आगे हम इनवर्स के प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले। बिल्कुल ओके, क्लियर सर? ओके वेरी गुड। तो आई होप आपको 3x3 का अभी कैसे निकालना है, 2x2 का कैसा था, सिंपल था, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। लेकिन अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो उसके लिए हमें लंबा कोफैक्टर वाला प्रोसीजर, अगर सोचो अगर मैं इसमें कोफैक्टर वाले मेथड से ज्यादा तो नो कोफैक्टर निकालने पड़ते, नो कोफैक्टर मतलब नो सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालने पड़ते, बहुत लंबा प्रोसीजर होता, इसलिए ये शॉर्टकट है। लेकिन ये शॉर्टकट सिर्फ 3x3 के लिए ही वैलिड है, ये वाला समझ में आ गई बात? चलो अभी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे इनवर्स के केस में, प्रॉपर्टीज के बाद हम देखेंगे उस प्रॉपर्टीज के बेस पे ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो गेट में इनवर्स से इतने मींस कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मैं लेके आया हूं क्वेश्चंस, वो आपको करने हैं, और एडजॉइंट पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालना है, तो और कुछ चीजें होमवर्क में भी दूंगा। तो यहां पे अभी ध्यान देना, जो मैं प्रॉपर्टीज लिखवाया हूं, जैसे डिटरमिनेंट में आपको प्रॉपर्टीज से मैंने कैसे सॉल्व करवाए क्वेश्चंस, वैसे ही इनवर्स में भी आपको प्रॉपर्टीज काम आएंगे, तो इसलिए यहां पे प्रॉपर्टीज लिख लेना इनवर्स के। चलो प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज यहां पे, इसमें इनवर्स में इतनी सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो जैसे कि पहला प्रॉपर्टी होगा आपका ए बी, अगर इन ए और बी इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं और इसका इनवर्स निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होगा, अगर इंडिविजुअल मैट्रिक्स का इनवर्स लेंगे और ऑर्डर रिवर्स कर देंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल। और ये सिर्फ दो मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड क्या हो, ए और बी क्या हो, इनवर्टेबल मैट्राइसिस हो, क्या हो, इनवर्टेबल मैट्राइसिस। अगर दोनों में से कोई भी एक इनवर्टेबल मैट्रिक्स नहीं है तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, क्या होगा, सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स। क्लियर हो गई इतनी बात? दूसरी कंडीशन क्या है वो देखो, दूसरी कंडीशन ए ट्रांसपोज, अगर मुझे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले ए मैट्रिक्स का इनवर्स ले लूं फिर ट्रांसपोज ले लूं। क्लियर हो गई इतनी बात? तीसरी पॉइंट है, तीसरी पॉइंट, अगर किसी भी मैट्रिक्स का दो बार इनवर्स लोगे तो ओरिजिनल मैट्रिक्स पे आप पहुंच जाओगे। चौथी पॉइंट, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको टू दी पावर एन करोगे फिर उसका इनवर्स लोगे तो ये दोनों चीजें हो जाएंगी बराबर। इसका मतलब क्या है, वेयर एन इज एन इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, अगर ए स्क्वायर फिर उसका इनवर्स निकालना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ए का इनवर्स निकालें फिर उसका स्क्वायर कर दें। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक सब क्लियर हो गया? तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं। और पांचवी प्रॉपर्टी लिख लो, अगर सी इंटू ए इसका इनवर्स निकालना हो तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू सी इनवर्स, तो ये क्या होगा,
ये एक नंबर है सी, तो सी इनवर्स मतलब क्या होगा, वन ओवर सी। इसका मतलब ये डिफाइन होगा सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर होगा इतनी बात, सी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि सी इक्वल टू जीरो आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। और कुछ प्रॉपर्टीज भी आप बस इतनी ठीक है, इतनी ठीक है, इनवर्स के लिए इतना कुछ मतलब जदोजहद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगा इतनी बात, ओके ओके। हाँ बिल्कुल, जो लास्ट रो है वो सेम होगी जो फर्स्ट रो है, जो फर्स्ट रो है, और जो लास्ट कॉलम है वो सेम होगा जो फर्स्ट कॉलम है। क्लियर होगा इतनी बात। क्लास कितने बजे तक भी चल सकती है, अभी यहाँ पे जो टारगेट है वो पूरा करना है आज, क्योंकि टाइम बहुत वैसे ही जा चुका है। तो ये आपके इनवर्स के प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपकी इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये इतना बस आपको याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। क्लियर हो गई इतनी बात, तो यहां तक आपको याद रखना है। और एक स्पेशल चीज यहाँ पे, एक और है एक स्पेशल चीज यहाँ पे, एक डायगोनल मैट्रिक्स के केस में यहाँ पे याद कर लो, कितने हो गए, चार पांच छह डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि स्पेशल केस है हमारा। अगर मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स है D1, D2, D3 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका इनवर्स चाहिए तो सिंपली क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज का इनवर्स ले लो, 1D1, 0, 0, 0, 0, 1D2, 0, 0, 1D3। क्लियर होगा इतनी बात। और सिमिलरली अगर D2K करना हो तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, मींस अगर डायगोनल मैट्रिक्स है उसका मुझे निकालना है D2100, तो मैं डायगोनल मैट्रिक्स को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करने नहीं बैठूंगा, सिंपली क्या करूंगा, D1K कर दूंगा 0, 0, 0, 0, D2K 0, 0, D3K। क्लियर हो गई इतनी बार, ये चीजें आपको याद रखनी है इनवर्स के केस में, इतना ही। और सबसे यहाँ पे जो यूजफुल प्रॉपर्टी होती है वो ये वाली होती है, सबसे काम में यही आती है ये प्रॉपर्टीज, मतलब मैंने लिखवा ली ताकि आपको याद रहे, लेकिन सबसे काम ये प्रॉपर्टी आएगी और ये वाली प्रॉपर्टी आएगी। अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सिंपली क्या करूंगा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स का इनवर्स ले लूंगा, प्रोवाइडेड कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट होता हो। ये मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इनवर्टेबल होनी चाहिए, और इन अदर वर्ड्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उस डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। क्लियर होगा इतनी बात, यहां तक सब डाउट क्लियर है, ओके ओके ओके। हाँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने जैसे कि बताया सी एक नंबर है, मीन सी ए स्केलर है, तो सी जीरो नहीं हो सकता, सी जीरो नहीं हो सकता। आप ऐसे भी सोचो, अगर सी जीरो होगा तो ये पूरे मैट्रिक्स को क्या कर देगा, जीरो मैट्रिक्स बना देगा, उसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, तो इनवर्स वैसे भी इस मैट्रिक्स का जो नया मैट्रिक्स बनेगा डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ओके बिल्कुल। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो ये मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज थे, बिल्कुल। चलो जिनको अभी यहां पे एक और चीज सीखो, अभी कुछ चीजें और है सीखो उनपे, क्योंकि मैं होमवर्क ही उनके बेस पे देने वाला हूं आपको, तो कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे, कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर होमवर्क कैसे करोगे। देखो मैंने ऐसे लिखा था, जो ए इनवर्स है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सिंपली यहां पे भी ध्यान दो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। अभी अगर मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो सिंपली यहां पे क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, मुझे उसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो देखो कैसे निकालूंगा, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू ए इनवर्स। तो याद करो वो वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, अगर बी इज इक्वल टू के इनटू ए है, बी इज इक्वल टू ए के इनटू ए है, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होता था, के टू द पावर एन इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर हो गई यहां पे बात। अभी यहां पे ध्यान दो, देखो यहां पे सिंपली रिलेट कैसे करना है, बी की जगह पे यहां पे है एडजॉइंट ऑफ ए जो कि मैट्रिक्स है, के की जगह पे डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और यहां पे ए की जगह पे जो कि एक मैट्रिक्स है उसकी जगह क्या है, डिटर ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, वो यहां पे ध्यान देना क्या होगा,
जो ये k की जगह क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k टू दी पावर n, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n, और n क्या है जो अंदर ये a इनवर्स वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर, इनटू क्या होता था डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि यहाँ पे a था तो यहाँ पे उसकी जगह है a इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स हमको पता है क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, a टू दी पावर n डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसका मतलब क्या है जो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होगा, जो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ a टू दी पावर n माइनस 1, इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी ये वाला रिलेशन याद रखना बहुत काम आने वाला है, ये रिलेशन बहुत ही काम आएगा, क्यों, क्योंकि इस रिलेशन की खास बात ये है, अगर मुझे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है a उसका डिटर्मिनेंट अगर पता है और ऑर्डर तो ऑब्वियसली पता ही होगा, तो मैं एडजॉइंट ऑफ a जो एक नया मैट्रिक्स बना जो किससे बनता है, कोवेक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, कोवेक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से, तो इसका मैं डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं अगर मुझे इस मैट्रिक्स का कुछ अता पता नहीं है, इसका मतलब अगर इस मैट्रिक्स का मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, एलिमेंट्स नहीं पता है, तो भी मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं प्रोवाइडेड जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है ए उसका डिटरमिनेंट मुझे पता हो। क्लियर होगा इतनी बात, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके ठीक है, अरे पीस वाइज फंक्शन वो सब उधर आएगा, कैलकुलस जब स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस एंड ग्राफ्स उसके लिए धीरज रखो अभी। तो ठीक है, ये वाला रिलेशन याद रखना, बस ये वाला रिलेशन तो मैंने इसलिए डिराइव कराया क्योंकि कुछ भी एडजॉइंट पे अगर पूछ रहा है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप डिराइव कर सकते हो। तो इनवर्स में ही ये वाला भी एक ऐड कर दो, और अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं तो वो टेलीग्राम ग्रुप में आंसर दे देना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप जो भी आज स्टूडेंट्स नए हैं, जो भी स्टूडेंट्स आज नए हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक भाई दे देना, उसमें आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस और डाउट सॉल्विंग पूरा सेशन वहीं पे ही होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी आप याद रखना, अभी मैं कुछ प्रॉब्लम्स दूंगा, प्रॉब्लम आपको होमवर्क में करने हैं, उसमें ये प्रॉपर्टी का मैं हिंट दे देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी आपको काम आएगी, ठीक है। तो ओके आप मुझे देख पा रहे हो, यहां पे जो n है वो जो मैट्रिक्स था a उसका ऑर्डर है। ओके यहां पे अभी मैं कुछ यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, आपको नोट करो। ओके इफ यहां पे लिखो, मोबाइल से लिख रहा हूं, इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स, इफ द एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 मैट्रिक्स P is 1, 4, 4, P is 1, 4, 4, 2, 1, 7, 1, 1, 3, 1, 1, 3, then the possible values, इसका मतलब क्या है, ये वो क्वेश्चन है, MSQ क्वेश्चन, चलो MSQ लिख देता हूं मैं, ये MSQ है। Then the possible values of the determinant of P is/R. चार ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन भी चलो बता दो, -2, B वाला ऑप्शन है -1, C वाला ऑप्शन है 1, और D वाला ऑप्शन है 2। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसमें ये वाली प्रॉपर्टी आपको काम आएगी। ओके और मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन एक दूसरा एग्जांपल भी लिखो, दूसरा एग्जांपल ये है, इफ पी इज इक्वल टू 1 अल्फा 3, 1 अल्फा 3, 1 3 3, 1 3 3, 2 4 4, इफ पी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज द एडजॉइंट of a 3x3 matrix A, and determinant of A is equal to 4, then alpha is equal to what? ये पूछा गया है, ये MSQ नहीं, ये MCQ है, ओ ये A नेट टाइप है, ये नेट क्वेश्चन है,
ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन नोट करो, दूसरा वाला क्वेश्चन नोट कर लो। मैंने हिंट पहले ही दे दिए, हिंट ये दे दिए कि ये वाला आपको प्रॉपर्टी काम आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके क्लियर। चलो क्वेश्चन नोट कर लो जल्दी से, मैं जा रहा हूं वापस यहां पे देखने। आप क्वेश्चन नोट कर लिए कि नहीं? ओके चलो 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 चलो, अरे स्लो क्या तुम बोल रहे हो, चलो ठीक है। मुझे ये सिर्फ कंफर्मेशन दे दो ये दोनों क्वेश्चन नोट हो गए कि नहीं, क्योंकि एक तीसरा क्वेश्चन भी है, लास्ट क्वेश्चन, वो भी मुझे आपको देना है। ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोगों ने? ये क्वेश्चन नोट कर लिए आपने? हाँ या ना प्लीज रिप्लाई, हाँ या ना, हाँ या ना प्लीज रिप्लाई। ये दोनों क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं तो बता दीजिए कृपया करके, मैं एक और क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। ओके या डन सर, ओके चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, उसको लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारी यही प्रॉपर्टीज को कंसर्न करके ही मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए टेंशन मत लेना, जो पढ़ाया है बस थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना है और क्वेश्चंस में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का, आज के सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, उसको नोट करो और आंसर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर शेयर करना, वहीं पे ही सब डिस्कस करेंगे क्या लॉजिक लगेगा और किसी को। और कल से मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा असाइनमेंट का, आज पीडीएफ नहीं बनाया इसलिए मैं क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यहां पे लिखो, इफ आज का लास्ट ये होमवर्क, इफ तीन क्वेश्चन है होमवर्क में, इफ बी इज इक्वल टू, इफ बी इज इक्वल टू क्या दिया है देखो, फाइव टू अल्फा वन, फाइव टू अल्फा वन, जीरो टू वन, जीरो टू वन, अल्फा थ्री माइनस वन, अल्फा थ्री माइनस वन इज द इनवर्स, इज द इनवर्स, इज द इनवर्स ऑफ ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, इज द इनवर्स ऑफ ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स है ए जिसका इनवर्स ये है बी, जिसका इनवर्स क्या है ये बी, देन देन द सम, देन द सम ऑफ, देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इज व्हाट, इज इज वॉट। यहाँ पे चार ऑप्शन है, चलो ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ये एक एनएडी टाइप क्वेश्चन है, एनएडी टाइप क्वेश्चन, क्लियर हो गई इतनी बात। तो एक मैट्रिक्स है बी जो कि ए का इनवर्स है, तो पूछा है देन द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इज डैश, इज डैश। क्लियर हो गई इतनी बात? ओके क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ 11 है, क्या है नोट है वो कर लो, इसका जो डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 250 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, तो इसका जो डिस्कशन है, किसी को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो कृपया करके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इसका डिस्कशन टेलीग्राम ग्रुप में ही होगा, नहीं तो इसका डिस्कशन अगर मैं वहां पे करने लग गया कल के लाइव सेशन में तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमने डिटर्मिनेंट और इनवर्स एडजॉइंट पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स आज, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो कल का सेशन आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, क्यों? क्योंकि कल के सेशन में हम रो इक्वलन फॉर्म पढ़ेंगे और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और कुछ रैंक की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रो इक्वलन फॉर्म क्या होता है वो देखेंगे कि क्या वो हर मैट्रिक्स के लिए यूनिक होता है या नहीं होता है। रो मैट्रिक्स जब रो इक्वलन फॉर्म लगाते हैं तो रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही क्यों लगाते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन क्यों नहीं लगाते, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जब हम रो इक्वलन फॉर्म में मैट्रिक्स लिखते हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनता है, वो भी देखेंगे। अगर कल के लेक्चर में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, रो इक्वलन फॉर्म क्या होता है, रैंक क्या होता है, तो जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाके जाओगे तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ज्यादातर जो गेट में प्रॉब्लम्स आती है लास्ट के ईयर्स में देखो, या तो डिटर्मिनेंट से आएंगी, या तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से आएंगी, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आती है, और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स ही आते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज का सेशन में ये तीन प्रॉब्लम होमवर्क में सॉल्व करना और कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करना और आगे शेयर भी करो सेशन को, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे कल सेशन में फिर इसी टाइम 9 बजे। कल भी सेशन लंबा जा सकता है, 2 घंटे जा सकता है, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में आप एक्टिव रहिए। हाँ अगर इस टॉपिक्स के रिलेटेड आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए
और अगर इस टॉपिक के रिलेटेड जो कि मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और नहीं बन रहा है तो कृपया टेलीग्राम ग्रुप में आप डाउट सॉल्व कीजिए, वहां पे पोस्ट कीजिए क्वेश्चन को, वहां पे और सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी डाउट सॉल्व करेंगे और उनसे भी नहीं हो पाता फिर मैं तो हूं ही, मैं आपकी सारी उलझने सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? तो फिरते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9 बजे, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।